सो हे गाइस, अभी सुबह के बजने वाले हैं 6 और हमारी ट्रेन जो है रांची जंक्शन से है 6:20 में। तो फटाफट से चलते हैं जंक्शन। फाइनली गाइज मैं पहुंच गया रांची जंक्शन और फटाफट से चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। हमारी ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही आएगी, तो चलते हैं। हमारी जो ट्रेन है वो हटिया से चलती है और पूर्णिया तक जाती है, तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है, तो फटाफट से चलते हैं। 6:20 में एकदम टाइम। गाइज ये देखो हमारी ट्रेन आधे घंटे लेट हो गई है। 6:20 में जो ट्रेन थी हमारी, अब 6:55 में आएगी। अभी बज रहे हैं 6:14। कोई नहीं, वेट करते हैं आधे घंटे। तो फाइनली आधे घंटे वेट करने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है। तो फाइनली मैं बैठ गया अपने सीट पर और इधर बैठे हैं, दिखाता हूँ। ये बैठे प्रदुम भैया, हेलो। और यहाँ बैठे हैं प्रिंस भैया, बाय बाय। तो फाइनली हमारी ट्रेन 5 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन रांची जंक्शन से खुल चुकी है। गाइस ये देखो बारिश आ गई। गाइस कमेंट करके बताना ऐसे बारिश के मौसम में ट्रेन में सफ़र करना कितना मज़ा आता है। जिनको जिनको मज़ा आता है वो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। पानी टपक रही है, ये देखो, देख रहे हो। और नीचे देखो यहाँ पानी जम रही है। इसी तरह अगर पानी टपकता रहा यहाँ से तो यहाँ पे पानी जम सकता है। वैसे तो कंटिन्यू बारिश होगी नहीं, फिर भी देखो। अब हम पहुँच चुके हैं बोकारो स्टील सिटी में और यहाँ भी बहुत तेज बारिश हो रही है। बोकारो से निकलते ही गर्मी इतनी तेज़ हो गई है कि क्या ही बताना, बहुत गर्मी है। और बिहार पहुँचते पहुँचते तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, क्या ही बताना। रांची में इतनी गर्मी नहीं थी। गाइस अभी देखना पहाड़ों के बीच से हमारी ट्रेन जो है निकलेगी, ये देखना। Thank you.
गाइस यहाँ के नज़ारे तो बहुत ही ज़बरदस्त है, ये देखो आप गाइस, ये देख सकते हो आप, नेटवर्क गायब है। इतनी घने जंगल में तो नेटवर्क गायब होगा ही, मेरे क्या सारे पैसेंजर्स के होंगे। और अभी हम खा रहे हैं चिप्स, ये लो आप भी खा लो। तो गाइस अब हमारी स्टॉपेज जो है पटना जंक्शन थोड़ी देर में अब आने वाली है, और ये देखो पूरी गेट जाम हो रखी है यहाँ से वहाँ तक, और ये पीछे भी पूरी जाम है, मतलब मैं बीच में एकदम खड़ा हूँ सेंटर। चलते हैं बाहर। तो गाइस मैं आ चुका हूँ स्टेशन से बाहर, और यहाँ से लेंगे ऑटो और फिर चलेंगे घर। उससे पहले हम पीते हैं नींबू पानी। नींबू पानी आप सभी पिया करो, क्योंकि एनर्जी जो है बनी रहती है, और गर्मी के टाइम है अभी तो पीना बहुत ज़रूरी है। बैठ चुके हैं ऑटो में और अब चलते हैं सीधे घर। गाइस अब हम इन करने वाले हैं गांधी सेतु पे। गाइस जब से फोर लाइन हुई है ये पुल, तब से बहुत आसान हो गया इसे पार करना, 8 मिनट में ही पार हो जाते हैं। गाइस अभी हम उतर चुके हैं जड़ुआ में, और अभी आए हैं हम नाश्ता करने गर्मा गर्म छोले भटूरे का। तो फटाफट से करते हैं नाश्ता, उसके बाद हम ऑटो पकड़ के चलेंगे सीधे घर। गाइस इतने सारे जो भीड़ देख रहे हो आप, ये है मुहर्रम की भीड़, और आज है मुहर्रम, और मुहर्रम के दिन आप सभी तो जानते हो कि ताजियों का जुलूस निकलता है, तो उसी को देखने के लिए इतने सारे इकट्ठे हैं। बहुत भीड़ है भाई, ये देख सकते हो इस तरफ। तो फाइनली गाइज मैं पहुंच गया अपने मोहल्ले में, और अभी रास्ते में ही है। और मेरी व्लॉग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी मैं न्यू व्लॉग डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।